कानून व्यवस्था की जटिलताओं की वजह से ही न्याय कहीं पीछे छूट जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में अभी अंग्रेजों और गुलामी के दौर की कानून व्यवस्था चल रही है, कि जब तक कानून की अदालत में तथ्यों और कानूनों का मंथन किया जाता है तब तक बहुत कुछ खो जाता है, और जब मुकदमा ही नहीं डाला जाएगा तो न्यायिक प्रक्रिया का भला क्या लाभ। कि हमारी न्यायपालिका इस ओर कदम उठाने को तैयार है और उसे लोकतंत्र का साथ चाहिए। दोस्तों, आज एक बेहद महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ। दरअसल जिस उद्देश्य के लिए हमारा यह चैनल बनाया गया है उसे और भी अधिक मजबूती तब मिली जब भारत के मुख्य न्यायाधीश ने वर्तमान न्याय व्यवस्था पर बदलाव और सुधार करने पर जोर डाला। उनके इस कथन के बाद हमारा आत्मविश्वास और भी अधिक बढ़ गया है और हमें उम्मीद है कि हम आप लोगों के साथ मिलकर जनहित में किए जा रहे इन ऐतिहासिक प्रयासों में जल्द सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसी संबंध में हमारे चैनल पर और भी अन्य वीडियोज उपलब्ध हैं। इस वीडियो के बाद आप उन वीडियोज को भी जरूर देखें। क्या कहा मुख्य न्यायाधीश ने बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले हम दो बातें इसी विषय में और जोड़ना चाहेंगे, जिनमें पहला आम आदमी का कोर्ट कचहरी के प्रति डर और दूसरा आम आदमी का न्यायालय के प्रति आस्था विश्वास का कम होना। जो आज की कानून व्यवस्था है उसकी वजह से आम आदमी तमाम जुल्म तथा यातनाएं सहता है, लेकिन कोर्ट की तरफ न्याय के लिए रुख नहीं करता। उसकी वजह यही है क्योंकि उसके मन में अदालत और अदालती प्रक्रिया को लेकर एक डर बना हुआ है, जिसे खत्म करना बेहद जरूरी है, क्योंकि मुकदमा दायर करने वाला ही न्यायिक प्रक्रिया के शुरुआत की एक मुख्य कड़ी है, और जब मुकदमा ही नहीं डाला जाएगा तो न्यायिक प्रक्रिया का भला क्या लाभ। आम आदमी का न्यायालय के प्रति डर की वजह से ही पैसे वाले और दबंग लोग न्यायिक प्रक्रियाओं में बाधा डालते हैं और उनका दुरुपयोग करते हैं, जिससे सही न्याय निर्णय नहीं हो पाता है। कानून व्यवस्था की जटिलताओं की वजह से ही न्याय कहीं पीछे छूट जाता है और प्रशासनिक तथा राजनीतिक पहुंच रखने वाले लोग न्यायिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं, जो लोगों की न्यायालयों के प्रति आस्था और विश्वास को कमजोर करने का एक मुख्य कारण है। और अब बात करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इस विषय में क्या कहा। अभी हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि आम लोगों के हिसाब से भारत की न्याय व्यवस्था सही नहीं है, इन कानूनों पर दोबारा से विचार करने की और लोगों के अनुरूप इनमें सुधार करने की आवश्यकता है ताकि वे व्यवहारिक वास्तविकता से मेल खा सके। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में अभी अंग्रेजों और गुलामी के दौर की कानून व्यवस्था चल रही है, जिसका भारतीयकरण करना बेहद जरूरी है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि भारत की समस्याओं पर वर्तमान न्यायिक कार्यशैली कहीं से भी फिट नहीं बैठती है। माननीय मुख्य न्यायाधीश कहते हैं कि कोर्ट के अंदर होने वाली तमाम प्रक्रिया पारदर्शी तथा जवाबदेही पूर्ण होनी चाहिए तथा आम आदमी को कोर्ट तथा न्यायाधीश के प्रति अपनी समस्या रखने में बिल्कुल भी हिचक अथवा डर ना लगे। उन्होंने इस बात का दुख जताते हुए कहा कि भारत की कानून प्रणाली को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि जब तक कानून की अदालत में तथ्यों और कानूनों का मंथन किया जाता है तब तक बहुत कुछ खो जाता है। दोस्तों, इन सभी बातों से निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि हमारी न्यायपालिका इस ओर कदम उठाने को तैयार है और उसे लोकतंत्र का साथ चाहिए, ताकि राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से भी इस ओर कदम बढ़ाया जा सके। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो संदेश मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ वो आप तक पहुँच पाया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।